अरे किसी आशिक से पूछो ये कितना बड़ा सौदा है कि महबूब के सामने तुम्हारा जिक्र और वो मुस्कुरा के सुन रहा हो। वो मुस्कुरा के सुनना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वो कैस ने अपना कबीला छोड़ा, मजनू ने, और लैला के कबीले के करीब आ गया। वहां एक मस्जिद में उसने पड़ाव डाली ताकि आते जाते देखूं जब भी लैला निकले तो आंखें ठंडी हो जाए। इश्क अजीब हाल कर देता है, सब कुछ उजाड़ देता है। तो कैस सरदार ज्यादा था, सब कुछ खत्म हो गया मजनू का। तो आके बैठ गए एक सामने वाली मस्जिद में, उसके कबीले के सामने। तो लैला को खबर हुई तो वो हर रोज चूरी बना के ना अपने हाथों से वो मस्जिद में भेजती थी और खादिम से कहती कि कहना कि जो मजनू है वो चूरी ले ले। अब मजनू ने एक दिन तो चूरी खाई तो ये खबर आस पास के जो भिखारी फकीर भूखे थे उन्हें भी पता चल गया जी। जब उन्हें खबर हुई तो वो भी मस्जिद में इकट्ठा होना शुरू हो गए। जब वो खादिम आके कहता भी मजनू चूरी ले ले, तो वो भाग के दौड़ते कहते मैं मजनू मजनू। वो कहता मैं मजनू। इस तरह बहुत सारे चूरी खाने वाले मजनू बन गए और लैला बहुत सारी चूरी मस्जिद में भिजवाती। असल मजनू के हिस्से में कुछ ना आता, असल मजनू के हिस्से में कुछ ना आता, और जो झूठे मजनू थे वो चूरी खा जाते। लैला की भेजी हुई चूरी खा जाते। याद रखना, आज भी जिसके दिल में ईमान नहीं है वो चूरी उसे अच्छी लगती है। अल्लाह की तरफ से चूरी मिले, पैसा मिले, गाड़ी मिले, कोठी मिले, अच्छी औरत मिले, हुस्नो जमाल मिले, शोहरत मिले, लोग सलाम करें, तब तो इस्लाम भी अच्छा है, ईमान भी अच्छा है, मुसलमान होना भी अच्छा है। और जब खुदा ताला चूरी देना छोड़ दे तो फिर ना खुदा अच्छा लगता है, ना रसूल अच्छा लगता है, ना इस्लाम अच्छा लगता है, ना दीन अच्छा लगता है। ये हमारा हाल है, चाहे हम जुबान से ऐसा नहीं कहते, ये हमारा हाल है जो मैं बयान कर रहा हूं। तो असल मजनू बने अपने रब के, चूरी खाने वाले मजनू नहीं। जो चूरी के आदि मजनू थे अब उनका हाल भी सुन ले, हुआ क्या। कुछ अरसा गुजरा तो लैला बीमार पड़ गई। लैला बोलिए बीमार पड़ी। जब बीमार पड़ी ना तो अतिबा ने, तबीबों ने कहा कि खून की जरूरत है। तो लैला ने कहा जाओ मस्जिद में निदा करना मजनू को कि लैला को खून की हाजत है। अब जैसे ही बला हो लैला की बीमारी का, हाय 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 हाय, बला हो लैला की बीमारी का कि अच्छे और बुरे में उसने फर्क कर दिया। हाय हाय हाय, बला हो लैला की बीमारी का, उसने आके कहा भी लैला बीमार है, उसे खून की हाजत है, लिहाजा जो मजनू है वो खून दे। अब कोई इधर से कन्नी कतरा के निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है। मस्जिद खाली हो गई जो आगे भरी हुई थी कई दिनों से चूरियां खाने वाले मजनू की। मजनीन मजनू कई दिनों से वहां जमा था और आखिर में जो असल मजनू था वो सिर्फ वो रह गया। तो मेरे भाइयों, ऐसी बीमारी का भला हो जो झूठे आशिक और सच्चे आशिक की पहचान करवा देती है। ऐसी मुसीबत का भला हो जो इंसान को लालची और इखलास वाले रिश्तों की पहचान करवा देती है। ऐसी परेशानी का भला हो जो इंसान को धोखेबाज और मुखलिस लोगों की पहचान करवा देती है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? इंसान धोखे में ना रहे। और ऐसी गुर्बत का भला हो जो इंसान को जमाने की पहचान करवा देती है। समझ आई या नहीं आई? तो मजनू ने अपना खून दिया, लैला से एतियाब होगी। जब लैला से एतियाब हुई ना तो उसने ऐलान करवाया कि लैला फुकरा को, गरीबों को, भिखारियों को खैरात बांटेंगे। इस पर बड़ी लंबी कतार लग गई, हर कोई आगे आके कासा करता और लैला उसमें खैरात डालती जाती, कुछ ना कुछ खाना या पैसे जो भी उसके पास था। तो कतार लंबी थी, उसमें मजनू भी लग गया अपना कासा पकड़ कर। अब जब उसकी बारी आई ना, 100-150 भिखारियों को लैला पहले दे चुकी थी खैरात। अब जैसे ही मजनू की बारी आई तो लैला ने देखा ना आंख उठा के मजनू है, उसने जोर के हाथ मारा और कासा नीचा गिरा और मजनू का कासा टूट गया।
जैसे ही टूटा तो मजनू नाचने लग गया। लोगों ने कहा ये है ही पागल, ये है ही पागल, उसने तुझे नजरअंदाज किया है, तुझे नजरअंदाज किया उसने, दुत्कारा है और तू नाच रहा है। उसने कहा बदबख्तो पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम्हें इश्क की दुनिया के उसूलों आदाब की खबर नहीं है। यहां अगर कोई कबूल हो जाए तब भी शुक्र, और अगर कोई नजरअंदाज हो जाए तब भी शुक्र अदा किया जाता है। इश्क की दुनिया में ना शुक्री तो है ही नहीं, इश्क की दुनिया में शिकवा है ही नहीं। महबूब कबूल कर ले तब भी उसका शुक्रिया है, मरदूद कर दे तब भी उसका शुक्रिया है। तो इश्क की दुनिया ऐसी है, यहां कोई नजरअंदाज किया जाए तब भी उसको मजा आता है, यहां कोई नजर में रखा जाए तब भी उसको मजा आता है। वो किसी गजल का शेर है, लुत्फ आने लगा जफाओं में, लुत्फ आने लगा जफाओं में, वो कहीं मेहरबान हो जाए। कभी आशिक ये भी दुआ करने लग जाता है कि मुझे जफाओं में मजा आने लग गया है, मुझे सितम में मजा आने लग गया है, मुझे जो तेरा नजरअंदाज करना है उसमें मजा आने लग गया है, मुझे तेरे दुत्कारने में मजा आने लग गया है, मुझे तेरा रद्द करना ये अच्छा लग गया है। तो वो ये दुआ करने लग जाता है, लुत्फ आने लगा जफाओं में, वो कहीं मेहरबान हो जाए। तो ईमान ये है कि इंसान कहे परवरदिगारे आलम तू मुझे जिस हाल में भी रखे मैं तुझ पे राजी हूं। गुर्बत में रखे, अमारत में रखे, खुशी में रखे, गमी में रखे, ईमान ये कि इंसान उस पर खुश रहे, राजी रहे। वो किसी दरवेश से पूछा गया कि अल्लाह मुझ पे कितना राजी है, क्या पूछा गया अल्लाह मुझ पे कितना राजी है, तो दरवेश ने कहा जितना तू अल्लाह पे राजी है, जितना तू, हाँ जुबान से तो कह लेता मैं अल्लाह पे राजी हूं, तेरा अंदर का हाल कैसा है।